हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम LIC रसीद के बारे में चर्चा करेंगे। जो रिसिप्ट आपको LIC की तरफ से मिलती है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि उस रसीद में क्या क्या लिखा होता है। और फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आपका प्लान कौन सा है, आपको कितने साल तक प्रीमियम जमा करना है, कब आपको मैच्योरिटी यानी आपका पैसा आपको कब वापस मिलेगा, आपका बीमा कितने का है, ये सब जानकारी हम अपनी रसीद से पता करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो रसीद है जो आपको LIC ऑफिस से, प्रीमियम सेंटर से या आपके LIC एजेंट आपको देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको LIC का लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कौन सा मंडल है, जैसे इसमें लखनऊ दिया है वो मंडल दिया जाता है। यहाँ लेफ्ट में आपको कलेक्शन सेंटर कोड लिखा होता है, उसके नीचे ट्रांजेक्शन नंबर ID जो होती है वो लिखी होती है और डेट और टाइम दिया होता है जब आपने ये प्रीमियम जमा किया है। अब चलते हैं राइट में, यहाँ पे आपको ब्रांच कोड दिया होता है और उसी के नीचे आपको जो अभी आपकी ब्रांच है उसकी फुल डिटेल, उसकी ईमेल आईडी, आपको कॉल सेंटर नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका फुल एड्रेस दिया जाता है। अब मेन बात करते हैं रिसिप्ट में क्या देखने वाला होता है। यहाँ पे आपका प्रीमियम क्या है वो दिया जाता है, 4,860 रुपीज़ रिसिप्ट विथ थैंक्स में जो लिखा है वो आपका प्रीमियम होता है। और उसके बाद फ्रॉम पॉलिसी होल्डर का नाम इसमें लिखा होता है, श्रीमती या श्री जो भी होगा। अब चलते हैं टेबल की तरफ। टेबल में सबसे पहले कॉलम में पॉलिसी नंबर दिया है, जैसे ये पॉलिसी नंबर जो है आपका और उसका नेम, और ये रिवाइवल हुई है या नहीं हुई है, तो ये पॉलिसी नहीं रिवाइवल हुई है तो नो यहाँ पे लिखा है। तो नेक्स्ट कॉलम में आपको प्लान, कौन सा प्लान लिया है, जीवन लाभ कौन सा, कितने का टर्म है, 25 का, और डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी आपने ये पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी, या 15/5/2019 को ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट कॉलम में पढ़ते हैं इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट है, ये 4,753 है, कौन सा मोड है, ये हाफ ईयरली मोड है और सम एश्योर 2 लाख रुपीज़ है। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दी गई है, कब से, 11/20 की इंस्टॉलमेंट ये दी गई है। नेक्स्ट टोटल प्रीमियम इसमें है 4,753। अगर कोई लेट फीस या कोई भी लेट फीस की वजह से आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है तो यहाँ ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई लेट फीस नहीं है तो यहाँ कोई चार्ज ऐड नहीं हुआ है। नेक्स्ट GST जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी GST लगती है, इसे 4,753 रुपीज़ था लेकिन GST 53.47 लगी है, तो उसे ऐड करने के बाद अब आपका जो फाइनल प्रीमियम हो गया वो हो गया 4,859 रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट वाले कॉलम में आपको ब्रांच और एजेंसी कोड, आपका ब्रांच कोड दिया जाएगा और जो भी एजेंट जिसके थ्रू आपने ये पॉलिसी ली है उसका एजेंट कोड होता है, और नेक्स्ट ड्यू डेट यानी 5/21 आपको नेक्स्ट जो पॉलिसी जमा करनी है वो 5/21 मई 2021 को जमा करनी है, और लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आपको किस आपने चेक से जमा किया है वो सब डिटेल दी जाती है, और लास्ट में जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी फुल डिटेल, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, पूरी डिटेल इस वाले पोर्शन में दी जाती है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में जिसके नाम पे प्रीमियम सेंटर होता है उसका नाम दिया जाता है। आप अपनी रसीद देखकर पता कर सकते हैं कौन सा आपने प्लान लिया है, कब लिया है, आपकी नेक्स्ट डेट कब आने वाली है, वो फुल डिटेल आपको अपनी एक रसीद में मिल जाती है। फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।